तो बात है कि जो डेटा कहता है जो सर्वाइवलिटी के चांसेस हैं वो 20% आते हैं अगर हम किसी पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं देते हैं आउटसाइड हॉस्पिटल और हम वेट करते हैं पैरामेडिक्स आए या डॉक्टर आए और उसको वो सपोर्ट करें या उसको इमरजेंसी सपोर्ट करें तो उसकी जो वाइबिलिटी है वो केवल 10% है। लेकिन अगर हम उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं आउटसाइड हॉस्पिटल तो उसकी सर्वाइवलिटी जो होती है वो 20% आता है मूवी देख रहे हो एक अम्मा जी गिर पड़ी है क्या करोगे तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो स्टैंडर्ड है उसमें प्रोग्राम करना है और उसका वैल्यू क्या है कोई भी चीज नंबर 5 को एक नहीं करना है नंबर 4 तीन नहीं करना है 1 2 3 4 5 पॉइंट है फॉलो करो कुछ नहीं करना है अगर लिटरली आपने टाइम सपोर्ट किया है डेफिनेटली डॉक्टर या पैरामेडिक आएगा बचेगी। पहला पॉइंट क्या है सीन सेफ्टी व्हाई सीन सेफ्टी इंपॉर्टेंट कोई पेशेंट गिर गया है यहाँ पे गिर गया है या बाजार में गिर गया है हमें पहला काम करना कि सीन सेफ करना है पेशेंट के लिए भी और अपने लिए भी क्यों तो क्या होता है घर में इलेक्ट्रिक काम चल रहा है इलेक्ट्रिशियन वायर जुड़ रहा है करंट लग गया वो बेहोश हो गया अगर आपने सीन सेफ नहीं किया मेन स्विच को ऑफ नहीं किया तो चांसेस ये हैं जो आपसे बताने जाओगे आपको भी करंट लग सकता है पेशेंट आप बाजार में हो कहीं हो गिर पड़ा बेहोश मिला है आपको नहीं पता इसको क्या है शुगर है बीपी है हार्ट अटैक है वी डोंट नो व्हाट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हमें तो मिला भाई गिरा हुआ क्या करोगे पहला काम तुम गिरे भाई तुम मत पहला काम क्या करोगे सिंक कौन सेव करेगा मैं आऊंगा मैं तो आधा चल जाऊंगा पहला काम सिंक सेव करना सबको ये सब्जियां ले रहा था उसको गिर पड़ा है सही तो पहला काम करना है इसको हमें फ्लैट सरफेस पे पीठ के बल लेटाना है दैट इज कॉल्ड सीन सेफ्टी दैट इज 1 पॉइंट उसको 0 नंबर दिया मैंने सीन सेफ्टी इज अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल टैप ऑन द शोल्डर हेलो सर मैडम जो भी है ठीक हो अगर ये रिप्लाई नहीं करता है कोई रिस्पॉन्स मिलता है झगड़ोने मत लगा कि उठ जाएगा ये दूसरा काम करना है कॉल फॉर हेल्प मार्टिन बोलो भाई कोई यहाँ पे एक बंदा इस उम्र का है गिरा पड़ा चला मुझे बेहोश है मैं तो नहीं अपने मन में करता रहूँगा मैं ही डॉक्टर हूँ नहीं कोई बोलना है आई एम चेकिंग द पल्स मैं पल्स चेक कर रहा हूँ आई एम नॉट गेटिंग पल्स ब्रीदिंग नो ब्रीदिंग मैं बोलूँगा जिससे इसे पता लगेगा मैं बोलूँगा सी पी आर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सी पी आर इसने फोन कर दिया है पाँच वर्ष का मारा सी पी आर का सी पी आर देना कैसे है जो भी गवर्नमेंट हाथ आपका है उसको छाती के मिड में रखो चेस्ट के मिड में ठीक है चेस्ट में रखो दूसरे हाथ से फिंगर्स को इंटरलॉक करो ठीक है फिंगर इंटरलॉक कर दिया और मुझे प्रेशर जो है एल्बो से नहीं देना है तो प्रेशर शुड नॉट बी फ्रॉम एल्बो इसलिए ये थोड़ा ऊपर है मेरे ऑलवेज मेक श्योर हम इसे बोलते हैं पेशेंट को लाइन डाउन कर दो जिसे आप घुटनों पर बैठ जाओ या अगर अनदर हैंड फिंगर इंटरलॉक और इंटरलॉक करने के बाद जो आपके ये हैंड है हैंड को भी इंटरलॉक करना है और प्रेशर शुड बी कमिंग फ्रॉम शोल्डर नॉट फ्रॉम एल्बो एल्बो से करो छाती से तोड़ दोगे उसकी वो बचे ना बचे वो अरेस्ट बचे ना बचे तुम जरूर मार डालोगे उसको ठीक है तो हमें ये करना है देखो तुम ठीक है कैसे बोला मैंने ठीक है ये मेरा हैंड जो है तो मैं
बाकी रहेगा तुम्हें पुश हार्ड पुश फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनना की है।